अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। ये व्लॉग एक दिन की शॉपिंग का व्लॉग है, जब हम सब एक साथ शॉपिंग के लिए गए थे और हमने पटना मार्केट और सब्जी बाग को एक्सप्लोर किया और वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी और कुछ चीज़ें खरीदी। और ये देखिए, ये मीरब और जुनैरा, छोटी छोटी दो नन्ही सी परियां, वो भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए गई थी। पटना मार्केट काफ़ी फेमस मार्केट है पटना का, और यहाँ पे काफ़ी लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ और सूट आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। बनारसी साड़ियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था वहाँ पे, और ये मम्मी लोग साड़ियाँ चूज कर रही थी, उन्हें कुछ साड़ियाँ लेनी थी। और ये देखिए, गर्मा गर्म चाय आ गई थी जो कि काफी टेस्टी थी और बहुत अच्छी थी। पटना मार्केट के बाद हम लोग सब्जी बाग की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ से भी कुछ सामान लेना था। और ये सब्जी बाग की वो गलियाँ, सब्जी बाग भी पटना का जाना माना और काफ़ी पुराना मार्केट है। यहाँ पे आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। सब्जी बाग में आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे बेकरीज भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे शादी के सामान के लिए भी लोग शॉपिंग करते हैं। और ये देखिए, ये हो रहा है छापे का काम। छापा जो है वो एक काफ़ी पुराना आर्ट है जो कि बिहार में चला रहा है, और ये ज़्यादातर बिहारी मुस्लिम्स लोग अपने शादी में इस तरह के कपड़े यूज़ करते हैं। दुल्हन को ज़्यादातर जो उनका शहाना होता है, जिस पे उनकी निकाह होती है, वो ऐसे ही कपड़े होते हैं। ऐसे तो ये प्रिंट बनाने में नहीं, हाथ से ये बनता है और काफ़ी टाइम लगता है। हाथ पे कम लगा के ये कपड़े पे डालते हैं पहले, और उसके बाद फिर उस पे चांद जो सिल्वर कलर का वर्क होता है, या आप जिसे कहें तबक होता है, वो उस पे चिपकाते हैं। आजकल जहाँ एक तरफ डिज़ाइनर लहंगों की मांग है, वहीं इस छापे का क्रेज़ भी कम नहीं है। लोग बाहर बाहर से इसका ऑर्डर देते हैं और इसका काफ़ी डिमांड है। और ये है पप्पू छापे वाले, जो कि काफ़ी फेमस है सब्जी बाग एरिया में। और ये देखिए, बड़ी मम्मी को अपनी पुरानी दोस्त मिल गई थी, हम सब निकल पड़े थे आगे सब्जी बाग एक्सप्लोर करने के लिए। हम सब ने डिसाइड किया था कि हम पैदल पैदल चलेंगे और हम सारी दुकानें देखेंगे और सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और ये देखिए, ये कच्चे नारियल है, और तभी हमें एक गाड़ी दिखी जिसमें दूल्हा दुल्हन जा रहे थे। तभी हमारी नज़र पड़ गई इस ठेले पे, जहाँ पे हर तरह की खट्टी मीठी रंग बिरंगी गोलियाँ मिल रही थी। कुछ कुछ नमकीन थी, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी। और देखिए ये ठेला कितना रंग बिरंगा और खूबसूरत लग रहा था।
और ये है मखाना जो कि बिहार में ही ज़्यादातर इसकी पैदावार होती है और ये काफ़ी हेल्दी होता है खाने में। मखाने को ज़्यादातर लोग फ्राई करके घी में या भून के खाते हैं। और सब्जी बाग में आपको सेवई और लच्छे कभी भी मिल जाएंगे। चारों तरफ रंग बिरंगी खूबसूरत दुकानें सजी हैं। सब्जी बाग में ड्राई फ्रूट्स की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं और बहुत सारी दुकानों में हमें ये काफ़ी खूबसूरती से पैक किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं जो कि ज़्यादातर शादी में या फिर सगाई पे लोग दूल्हा दुल्हन के घर ले जाते हैं। पूरे दिन की शॉपिंग के बाद एक मज़ेदार चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, जिससे हमारी सारी थकान दूर हो जाए। और ये देखिए सब्जी बाग के चौराहे पे ये जो दुकान है चाय वाले भैया की, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसकी चाय काफ़ी लोगों को पसंद आती है। और ये देखिए ये गर्मा गर्म चाय आ गई थी जिसको पीने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो गई। ये चाय सच में बहुत अच्छी थी। सारे दिन के एंजॉयमेंट के बाद और शॉपिंग के बाद अब वक्त आ चुका था कि हमें घर वापस जाना था क्योंकि शाम हो रही थी। और चलिए मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खूब एंजॉय करिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।